सो हे पोकेमोन, कैसे आप लोग आज स्वागत एक और धमाके दर एपिसोड ऑफ पोकेमोन स्कारलेट एंड वॉलेट। गाइस आगे हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे सबसे पहला जिम बैच हमें मिल चुका है और यहाँ पे मैंने अभी मोहतरमा से एक ये मोहतरमा ही ना आदमी ऐसे लग रहे थे, तो इस मोहतरमा से पूछा तो उन्होंने बोला कि आपका नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है कि आप क्रू पे जो कि बॉसेस हैं, जो लाइक टीम स्टार के बॉसेस हैं, उसको जाके आप हरा सकते हो, उससे फाइट ले सकते हो। तो उसने मेरे वहाँ पे मार कर दिया। तो एक बार मैप देख लेते हैं भाई कितनी दूर है यहाँ से। यहाँ से गाइस हम जाने वाले हैं कितनी दूर है भाई, कितनी दूर कहाँ गए भाई, वो ये रहा गाइस, ये रहा काफ़ी दूर है। तो गाइस यहाँ से हम चलेंगे ये नदी को पार करते हुए, फिर यहाँ से नदी से पार करते हुए और फिर जाके, और उसके पास ही हमारा सेकंड जिम बैच भी है जो कि वाटर टाइप और हमारे पास इलेक्ट्रिक टाइप और ग्रास टाइप दोनों है। तो क्या पता हम इसको हरा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता इसकी लेवल कितनी है। फर्स्ट जिम बैच काफ़ी ज़्यादा टफ था, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। और मुझे ये एपिसोड नहीं पता कि भाई ये एपिसोड कब आने वाला है, मैं बस काफ़ी ज़्यादा लाइक मतलब अपलोड करके मैंने शेड्यूल करके। तो गाइस चलो कंटिन्यू करते हैं, हम यहाँ से आगे निकलते हैं और चलते हैं। इसने यहाँ पर रूट दिखाया और वो रही बकेट सी। तो सो फार बाय द वे टीम को मैंने चेंज कर दिया, लीचोंग आप लोग करते कि लीचोंग हटा दो। वैसे मैं न्यू जेन का पोकेमोन वो सोच रहा था कि उसको इवॉल्व करके देखते हैं, तो उसकी जगह मैंने एक स्टील टाइप रख लिया। वो ये क्या, अच्छा ये तो वो है, ओ आप फाइट लोगे क्या, यार सॉन्ग मैंने अच्छा इसको हरा दिया, ओके बाय बाय। ओ गैसली डैम, डॉन फेन मैंने पकड़ लिया और ये वाला मैंने नहीं पकड़ा। खैर कोई नहीं, गैसली और काफ़ी सारे कर रखे। घोस्ट पोकेमोन गैस पकड़ूँ कि नहीं पकड़ूँ, पकड़ लेते हैं क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है यार। और ये पता भी नहीं कि अभी कोई भी शाइनी निकल जाए, क्योंकि इसमें शाइनी का अभी तक कुछ नहीं पता। और देख सकते हो कि टिंग का टिंग यानी कि ये हमारा अलग से एक पोकेमोन है। यार ये मार भी पाएगा, ये स्पेशल अटैक लग जाएगा ना इसको, हिप्नोसिस भाई फेल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 60 एक्यूरेसी होती है हिप्नोसिस जिसको नहीं पता। और ये फेरी विंड मारा, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं क्योंकि वो पॉइजन है, मेटल को लग सकता है। लिख भाई चाट ले भाई, जितना चाट सकता है चाट ले, छोटी सी है वो और मेटाक्लो लग रहा है। तो अब इसको पकड़ते हैं, ऑब्वियसली पहला पोकेमोन जो जो भी मिला। और गैसली हमारे यार कैंटो से गैंगर बनता है, गैंगर कैसे बनेगा, ट्रेड करके बनेगा। और देख सकते हो पोकेबल हवा में है, अगर फ्लाइंग टाइप है या ऐसा कुछ है हवा में तो लेविटेट हो रहा है, पोकेबल हवा में रहती है, ये अच्छी चीज़ है ना। तो टिंका टिंक इज गैस स्टील टाइप पोकेमोन, साथ में इसको मूव भी अच्छे हैं और रिकोस पॉइजन, इसको वापस में रखूँगा, काम आ सकता है, कभी भी काम आ सकता है। डार्क टाइप के पास हम अभी जा रहे हैं, डार्क टाइप है वो जो भी बंदा जिसको हम फाइट लेने आ रहे हैं। और टिंका टिंक चेक समरी, और देख सकते हो कि फेरी और स्टील और टेरा टाइप इसका स्टील है, तो ये मैंने पकड़ा था तो रख लिया। और मैंकी देख सकते हो, अरे मैंकी डार्क टाइप के लिए बहुत काम आएगा है ना गाइस, मैंकी डार्क टाइप के लिए काफ़ी काम आएगा। बैठ जा भाई, रखेगा गाइस, ओ 15 लेवल का, ओ उसने देख लिया मेरे को, शे इसमें बहुत जल्दी देख लेते हैं। और ये स्टील टाइप है फेरी टाइप है तो देखना भी इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है और मेरे पे पड़ सकता है, मैं स्टील हूँ ना, ओके कोवेट मार रहा है, ठीक है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हम स्टील हैं। चलो मैंकी पकड़ते हैं और इसको टीम में रखते हैं डार्क टाइप से, अगर हमारी ज़्यादा फाइट खतरनाक हो रही है, टफ हो रही है तो इसको रख सकते हैं। बाहर निकल गया हमारा पहला पोकेमोन गाइस, बाहर निकला, ये क्या बात है। और हाँ जो गेम में जो लैग हो रहा है वो सब हो रहा है गाइस, मैं पहले बता देता हूँ, ये गेम बनाने वालों की दिक्कत है, ठीक है। तो वो पैच निकलेगा, जो अगर कभी कभी पीछे देख रहे हो ना तो पैच निकलेगा भाई। 15 लेवल का तो हाथ में नहीं आ रहा, ये तो मार के छोड़ेगा भाई। क्या मेरे को ये यूज़ करनी चाहिए, चलो यूज़ कर लेता हूँ भाई। पहली ग्रेट बॉल, फर्स्ट जिम बैच हमने ले लिया तो पहली ग्रेट बॉल आ जाए यार पगले, तू मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है भाई। प्राइम एप ने जब ऐश की टोपी ले ली थी भाई, क्या बसड़ हुई थी, उसको हमने पकड़ा था ना, मतलब उसको ऐश ने, ओ 16 लेवल हो चुकी है वो, नकली 16 लेवल का हो चुका है। और ये फाइटिंग टाइप है पिग, उसको बॉक्सेस में डाल देते हैं अभी, और हमारे पॉकेट में काफ़ी अच्छा चल रहा है, सो फार सो गुड। काफ़ी सारे इग्नोर भी करे मैंने, लाइक गाइस क्या कहते हैं, छोड़ दिया मैंने कहा बाद में पकड़ूंगा। और इस बच्चे से फाइट ले कर देख लेते हैं, बच्चे की लड़का है, ओके इसको हरा दिया था मैंने। हमें शायद इसी रूट पे चलते रहना, मैं काफ़ी रूट पे जा चुका हूँ, मैं लाइक मैं ढूंढ रहा था, ओ यहाँ पे गुफा है, एक गुफा में जाके देखें, रात में गुफाओं में जाना गाइस खतरनाक होता है, तो इसलिए हम जानबूझ के जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ मिराडोन भी है, तो क्या पता कुछ स्पेशल हो जाए, कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा, सिर्फ पोकेबॉल पड़ी है। ये क्या है गाइस, ये क्या है,
गाइस ये क्या है? भाई ये तो फायर टाइप का नया पोकेमोन है। एक मिनट, कहाँ गया? भाई इसको पकड़ूंगा मैं। भाई क्या लुक लग रही है उसकी। ओह माय गॉड कितना जबरदस्त पोकेमोन है ये। चार कैडेट, अच्छा यानी कि चार कैडेट कह सकते भाई। एक मिनट इसका ये मर ना जाए। गाइस मेरे को थोड़ा कम लेवल का होना पड़ेगा, सुपर इफेक्टिव ना हो जाए कि मेरे को फायर लग रहा है ये। एक बार हेड ही मार के देखूँ, ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म ना हो जाए यार। सेव भी नहीं करी मैंने। हेडवर्ड मार के देखता हूँ, कहीं नॉर्मल मारना चाहूँगा। क्लियर स्मोक, ओह ओके। ऑल स्टैट्स चेंजेस, ओके मूव तो अच्छा। बस। गैस इसको पकड़ना, एक और मारता हूँ हेडवर्ड भाई। क्रिटिकल मत मारती हो। एस्टोनिश ओके वो हो जाएगा। स्टन सा प्लीज क्रिट मत मारियो। बच गया भाई मेरे, मतलब कूस बम पा गए थे भाई। अगर इसको क्रिट मार देता ना ये नकली को तो मैं बॉक्स में डाल देता। ओके तो 40-50 लेवल वाले नहीं आ रहे। एम्बर फायर टाइप है भाई, इसको रखेंगे। हमारे पास फायर टाइप नहीं है ना, तो नेक्स्ट हम जिम बैच घास वाला कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फ्लाइंग भी है, फायर भी हो गया। मज़ा आ जाएगा यार। तो आ नहीं रहा यार मेरे को, चिमचार जैसे नहीं लग रहा छोटा सा। आजा यार कितनी पोकेबॉल वेस्ट करेगा यार। मैं तेरे को पाल पोस के बड़ा करूँगा मैं, जितना भी तू बड़ा होगा, जितनी तेरी फाइनल एवोल्यूशन जो भी होगी। डैम आर यू किडिंग मी, 25 लेवल तक मैं पकड़ सकता हूँ। नहीं यार ऐसा करेगा यार तू मेरे साथ। ये ले फिर ग्रेट बॉल ले फिर यार। ग्रेट बॉल खरीदनी पड़ेगी, बड़ी महंगी दे रहे हैं ग्रेट बॉल। मैं 10 खरीद रहा था, 6000 की दे रहे थे भाई, तो मैंने कहा यार 5-6 ही ले लेते हैं। खैर पैसे तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे इसमें। ड्रॉप्स काफ़ी सारे हैं जमीन पे गिरी हुई। ओके इसको बॉक्स में रखना चाहिए, किसकी जगह रखेंगे? फायर इट्स फायर पावर इंक्रीज व्हेन इट फाइट्स, ओह रीचिंग इट ओवर 1800 डिग्रीज फारेनहाइट, डेटा रिच इन फैट। अच्छा इसका जो बेरी वो पसंद है जो फैट में रिच है, लाइक मतलब अच्छा खासा उसमें। भाई इसको रखें कहाँ गैस? एक हमें फायर टाइप मिल चुका है, फ्लैशलिंग की जगह, क्योंकि फिर हमें फ्लाइंग नहीं मिलेगा। फेड ऑफ की जगह रखें क्या गैस? फायर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हो गया आपका, ग्रास हो गया, फ्लाइंग हो गया, स्टील और फेरी हो गया, और रॉक और इलेक्ट्रिक हो गया। फेड ऑफ को हटाना पड़ेगा क्या हमें चाहिए ये। फिड ऑफ इज अ नॉर्मल टाइप, बट कोई नहीं बाद में किसी को हमें लेवल अप करनी होगी तो उसको एवोल्यूशन में दिखा दूंगा। अच्छा हुआ यार गुफा में जा। इसी को क्या हुआ? ओए इसको अचानक से क्या हो गया? इवॉल्व हो रहा है ये भाई। भाई 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 ओ भाई कितना खतरनाक लग रहा है ये। फ्लोरेकाटो भाई डार्क टाइप बन गया क्या भाई? खतरनाक से लग रहा है तो बिल्लोटा बागड़ बिल्ला। द हार्डनेस ऑफ फ्लोरेकाटोस फर डिपेंड्स ऑन द पोकेमोन्स मूड। अच्छा इसका जो फर है गाइस वो उतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, मतलब डिपेंड करेगा इसके मूड के ऊपर। वेल फ्लोरेकाटो इज प्रिपेयर टू बैटल, इट फर बिकम्स पॉइंटेड एंड नीडल शार्प। ओके जब भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगा तो पॉइंटेड शार्प बन जाएंगे। डैम भाई ये तो खतरनाक लुक है यार इसकी, इसकी लुक अच्छी है भाई। मुझे एक और रिवॉल्व होने लग गया भाई साहब, और एक्सपीरियंस कैंडी मिल चुकी है। एक मिनट मैं वो हील कर लेता हूँ। इसको हील करो माइनस से, और इसको भी हील करो माइनस से, और 14 लेवल है इसको आगे रख लेते हैं। एक बार मैं इसको देखना चाहूँगा, ये याद कर लूँ मैं। फेरी और शील है और फायर और फायर ही टाइप है। ओके टेरा भी इसका फायर है भाई, मज़ा आ गया। आई वो सेव कर लेते हैं, मैं नहीं चाहता कि भाई गेम क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, मुझे बीच में काम आ जाए। ओके यहाँ पे ओ एक वो भी है, एक और गैस ली है, मतलब वो मिस्ट्रीवियस ठीक है। वो नया पोकेमोन है कैसे यार? ऐसे तो रास्ते में पता नहीं कितने मिलते रहेंगे यार। कितने क्यूट, क्यूटी से पाई है, क्यूटी सी लड़की सी है। फ्लिटल, लिटल नाम है इसका, लिटल। अरे भाई 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 भाई, ये तो वो है 17 लेवल है। ओके नॉट वेरी इफेक्टिव, खा एम्बर, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, और फायर स्पिन में अगर मैं कर देता तो ज़्यादा अच्छा है। कन्फ्यूजन हो भाई साहब, ओ डैमेज कितना कर दिया। अरे कटिंग है बट डैमेज बहुत ज़्यादा कर दिया। मैं तो फाइटिंग टाइप भी नहीं हूँ, अपने को मत मारियो।
ओके थैंक गॉड। ओह ये तो अच्छा है, ये मरना चाहे, ये मर गया तो बैंड हो जाएगी। ओके इसी को यूज़ करना पड़ेगा लिटल। ओके गैस जेन 9 का एक और पोकेमोन आ चुका है और यहाँ से हमने पकड़ा है, ऊपर से बैठे बैठे फेंका, हवा में ही पकड़ा जाएगा। नहीं अब मेरा गया, ये गया, क्विक अटैक बच गया। ओके गाइस वी आर सो क्लोज, ग्रेट बॉल इसमें यानी कि बहुत यूज़ होने वाली, अल्ट्रा बॉल भी, क्योंकि जैसे ही 14-15 लेवल के आ रहे हैं, ये देखो आपके सामने गैस डिसआर्मिंग वॉइस बच जाओगा, बच गया। अगर कन्फ्यूजन मार देगा तो मैं गया। अब तो आ जाए यार, कमॉन 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 बेबी, कमॉन लिटिल बेबी, कमॉन बेबी, तेरे को हम बड़ा कर देंगे, बेब बना देंगे, बेबा बाबा। ओके गैस ये बाबा बनने के लिए तैयार है, जैसे मैंने बाबा बोला और आ चुका है। गैस थोड़ी सी चाय पी ली बीच में सिप सिप करते हुए, किसी को चाय पीनी तो आ जाओ, क्योंकि मैं रात भर से सोया नहीं हूँ काम करते करते, और साथ में रिकॉर्डिंग भी करी जा रही है। उस साइकिक है, मैं इसको बग सोच रहा था भाई, साइकिक मिल गया गाइस हमें, तो फाइटिंग की हम बैंड बजाते हैं। इट स्पेंड्स इट टाइम रनिंग अराउंड वेस्टलैंड इफ एनीवन स्टील इट्स बिलव बेरी। अच्छा अगर कोई इसकी बेरी छीन लेगा तो उसके पास जाके रिवेंज भी लेगी ये। ओह माय गॉड ये लिटिल तो बड़ी ही खतरनाक है गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए गाइस, ये तो पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है। गाइस मुझे बताना कि ये साइकिक रखना है कि नहीं रखना, 17 लेवल का मिला पता है भाई, ये तो बहुत अच्छा पोकेमॉन मिलेगा। डैम ओ एक और इवोल्यूशन, आर जी किडिंग मी भाई, बैक टू बैक दो इवॉल्व हो रहे हैं, एक साथ इवॉल्व क्यों नहीं हुआ, लेवल तो सेम ही थी भाई। भाई फ्लैश इंटर बन चुका है नाम, मेरे को याद है मेरे को फ्लैश इंटर, टेलन फेम मिला था फायर ऑफ फ्लाइंग, इट्स सर्टी हैज़ ए रेडियस। गाइस हमारा टेलन फ्लेम भी बन जाएगा ये, फ्लेम चार्ज, वो वाह फ्लेम चार्ज तो अच्छा डैमेज करता है, तो ग्राउल की जगह रखेंगे, फ्लाइंग चाहिए था यार पैक, फ्लाइंग के लिए मेरे को ये टीम बनाना पड़ेगा। ओके इसको माइनस करो हील और फिर से सेव करो। अब चलो गाइस बहुत हो गया टाइम मस्ती कर ली, अब और नहीं पकड़ने पोकेमॉन जब तक कि कुछ शाइनी वानी ऐसा कुछ नहीं मिलता, और शाइनी तो मिलेगा नहीं यार, शाइनी कहाँ मिलने वाला हमें भाई, मुझे पता नहीं क्या आ गया। और यहाँ से जर्नी से चलते हुए ऊपर पॉकी बॉल है, उछल के पहुँच सकता है, नहीं पहुँच सकता, क्या गुंडा बनेगा तू, क्या लीजेंडरी बनेगा। अरे यार डॉन वैन नहीं, प्लीज़ 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 नहीं, तो ग्राउंड ड्रॉप है मुझे पता है, और मेरे पास फायर है सामने लगा हुआ भाई, मेरा एंडन देखो कैसे खड़ा है, वो भी पोज में खड़ा है कि मेरे को कोई बोलेगा तो पंगे लूँगा मैं इन सबसे। गैस बाद में लड़ते हैं, हमें जाना है अभी उसकी तरफ जो डार्क वाला है, यार चढ़ ही नहीं सकता शायद, यहाँ से चढ़ जाएगा। एक्सपीरियंस कैंडी, ये तो बहुत सही है एक्सपीरियंस कैंडी, नदी से के साथ साथ चलना था ना, नदी तो पता नहीं कहाँ गई, नदी तो गैस हमें यहाँ जाना ना, तो ब्रिज पहले यहाँ से फिर वहाँ से, तो पहले यहाँ की तरफ चलते हैं। वो ये क्या है गैस, ये कौन सा पोकेमॉन है भाई, ये कोई पोकेमॉन है यहाँ पे, ये रहा एक नया पोकेमॉन है फ्लाइंग भाई, क्या खतरनाक सा बनेगा ये भाई, गुंडा सा लग रहा है भाई, वल्चर टाइप का, कैश पकेट, ओए एक है चैरा डैट और एक कैश पकेट है। ओ ये फ्लाइंग और वो बनेगा ग्रास, डैम हाँ गैस फ्लाइंग और वो बनेगा ये। ओ जला दिया तूने भाई, जलाना नहीं था यार, मतलब इतने चूसे को तू जला रहे, तू मतलब वो बना रहा है क्या कहते हैं चिकन बना रहा है तू, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ गैस। अब तो बैंड बच जाएगी, ये डैमेज करेगा 30 और ये वो हल्का 30 कर देता है, 19 कर देता है। ओ ग्रोथ भाई ये ग्रास टाइप है, लेकिन फ्लाइंग भी जल उसकी चिड़िया से दिख रही है, मतलब चोट सी, सरप्राइज। एम्बर कंडीशन कितना अच्छा बनाया ना हेल्थ के साथ। ओके नहीं 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 इसमें आ जाएगा क्या, इसको फेंक के देखते हैं, कम ऑन प्लीज आ जाए यार, प्लीज़ 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 प्लीज़, तेरे को बहुत सारी घास खिलाऊंगा मैं, जड़ी बूटियाँ और वो सब, पतंजलि खिलाऊंगा तेरे को मैं, देखा पतंजलि का नाम लेते गैस, ये स्पॉन्सर नहीं है पतंजलि की तरफ से, अगर आप सोचो तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है। 70 लेवल हो चुकी है, और ट्रेनिंग किस भाई, ट्रेनिंग किस तो बड़ा काम का है, फाइटिंग के अगेंस्ट तो बड़ा काम आएगा,
हील भी करता ना वो फेरी विंड, और ये तो मैं फेरी विंड को हटाना चाहूँगा या फिर इसको हटा देता हूँ। बस क्या करा जाए, इसको हटा देते हैं। चाहिए तो मेरे को दो दो को, कभी कभी पीपी ख़त्म हो जाती है, वैसे इसमें नहीं ख़त्म होगी भाई। दो इवोल्यूशन हो चुके हैं, मतलब पोकेमॉन भी बढ़िया वाला मिल गया हमें, है ना। कैस पैकेट, अच्छा ग्रास टाइप ही है ये। ट्रेडिशनल पेल्टियन डिजिट कैन बी ऑस्ट्रेलियन स्पाइसी बिकॉज दे इंक्लूड द शेड फ्रंट। अच्छा इसके फ्रंट का जो दूत जो दांत है वो यूज़ करा जाता है ऐसे स्पाइस में भाई। सही है यार गैस, इसको बताना कि कौन कौन से पोकेमॉन टीम में रखने हैं यार, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। बहुत सारे पोकेमॉन है, मतलब ये फ्लाइंग टाइप लग रहा है लेकिन ये ग्रास टाइप है। ओके ये तो वो है, अब मेरे को मैप चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे को वो तो मिल गया, यहाँ से जाऊँगा मैं पूरा वो करते हुए जाएंगे। अच्छा नदी वहाँ पर है, ओके हील कर लेते हैं यार। और डंकी भागा, डंकी गधा, टिक टिक, ओके शायद सही जा रहा हूँ मैं। तो आप लोगों को अब तक सबसे बेस्ट पोकेमॉन कौन सा लगा? देखो मिराइडोन का नाम मत लेना, देखो मिराइडोन तो एक्सेप्शन है, वो तो ऑब्वियसली है, और आप लुक देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। आपको ये बताना है कि एज अ किसका इवोल्यूशन वो सब देखना चाहते हो। यहाँ पे है भी यार ये क्या कहते हैं रास्ता, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। वैसे पीछे पॉकेबल ले सकता था बट मैं चाय पी रहा था, कोई नहीं बाद में ले सकते हैं क्योंकि हमें काफ़ी सारा ग्राइंड करना है। और यहाँ पे एक क्रिस्टलाइज वाला कुछ दिख रहा है, लेट्स सी कौन है वो, वो ब्यूजल। ओके गाइस हमें दिख चुका, सही है ब्यूजल क्रिस्टलाइज वाला है, तो उसका टेरा टाइप कुछ और हो सकता है। गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं, साइकिक का यहाँ उड़ रहा है, अब हमें जाना है यहाँ जाना है हमें इस वाली पे। देख रहे हो यार तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा लाइक मेहनत करके पूरा पूरा रास्ता दिखा रहा है आप लोगों को, पूरा रास्ता, मतलब मैं जा भी सकता। हे देर, हाँ हेलो हेलो मोहतरमा, कोई मदद चाहिए क्या? आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा भाई। मोहतरमा कहाँ, आदमी ज़्यादा लग रही है भाई, गलत पूछ लिया मैंने भाई। हे देर आई एम हिचहाइकिंग कैन आई कैचर, भाई आदमी से पूछ लिया मैंने, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा। नहीं भाई दाढ़ी वाला औरत ना भाई, मेरा कट चुका है गाइस, क्या हो गया गाइस। मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूँगा, किसी ने कुछ नहीं सुना। और इसमें मुझे फंगस, अरे फंगस तो हमारा वो बग घास टाइप है ना, ये तो स्वॉर्ड शील्ड में भी था, इसके तो बैंड बजा दूंगा मैं। ले भाई खा फंगस, फंगस इसकी गाड़ी में, इसको तेरे को गाड़ी में उठाऊंगा रुक जा मैं। ओ ग्रोथ, ओ माय गॉड, ऐसा करते हैं गाइस इसको है ना मेरे को फायर स्पिन में डाल के करना पड़ेगा कि अगर मतलब डबल डबल अटैक जल्दी लगे। मुझे क्यों लग रहा है कि फायर बॉक्स से वॉर्टेक्स ज़्यादा डैमेज कर रहा है एम्बर से, डोंट टेल मी। एक मिनट, हमारा स्पेशल अटैकर है या वो है फिजिकल है? हमारा गाइस क्या है ये पता ही नहीं, अभी रुक जाओ अभी देखता हूँ मैं, मेरे को उसमें देखना पड़ेगा स्टैट्स में। चलो जी जी बोलते इसको, तेरे को गाड़ी में उठाऊंगा। ऊपर से सूरज निकलता हो कितना बढ़िया लग रहा है वो देख रहे हो गाइस, हमारी पावर बढ़ जानी चाहिए फायर की। ओके बैकपैकर भाई, लड़की लंबे वाला देख के कभी भी गाइस लड़की नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो दाढ़ी वाला इंसान भी निकल सकता आदमी भाई। एक मिनट मैं इसको देखना चाहूँगा, ये स्पेशल अटैकर है क्या ये? ये है अटैकर है कैसे, अटैकर ओके, हमारा डिफेंस बढ़ रहा है, स्पेशल अटैकर है ये, अटैकर है फिजिकल अटैकर है ये। तो हमारा फायर वाला शायद वो हो सकता है, स्पेशली होगा वो भी। डैम अंकल को बैठा लिया था मैंने, कभी भी गैस ऐसा मत करना, दूर से आपको अगर लंबे बाल अगर कोई चलता हुआ दिखे और आपको लगे कि आपको खुजली हो कि लिफ्ट में बिठा लें, थोड़ा सा आपका बाबू सोना का फ्यूचर आपको दिखने लग जाए आपके चेयर के सामने, आपके कानों में बैकग्राउंड में अगर गाना बजने लग जाए धूम वाला जो जैसे उसका हीरो का बजाता धूम मूवी, अगर आपने नहीं देखी तो वो सोचने लगता था कि उसकी शादी हो रही है बच्चे हो रहे हैं, बस तो समझ जाओ आपका कटने वाला है क्योंकि मेरा तो ऑलमोस्ट कट गया था। ठंडी चाय पीने में अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर है ड्रैगन टेरा टाइप, ड्रैगन टेरा जो टेरा टाइप है वो ड्रैगन है ठीक है,
तो ये चीज आपको देखनी है कि आपको टेरा ड्रैगन टाइप चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके अच्छा गैस हम सीधा आ जाएंगे, इसी रूट से सीधा चलेंगे यहाँ पे, पहले ही देखते हैं क्या है। चलो फेरी टाइप का बढ़िया से मिल जाए कोई, क्योंकि हमें अभी जो धक्का मिला ना सदमा गैस, थोड़ा सा कुछ तो अच्छा मिल जाए। ओके एक और ट्रेन आ चुका है, क्या करूँ गैस, इसको भी हरा दूँ क्या? इफ़ आई विन, ओके अगर आप जीतते हो तो क्या करोगे? एक मिनट, ये मैडम है क्या इस बार? भाई पास से चेक करना चाहिए। हाँ मैडम है गैस, मैडम है, मैं शक्ल चेक कर रहा था। ठीक है वो कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एक तो चैट में इतने लोग वो है ना क्या कहते हैं पकड़ लेते हैं, पकड़ नहीं लेते क्या कहते हैं वो, बहुत तेज हो रहे हो लाइक वॉल है मियो, इसलिए तो यार मेरे को वो चाहिए था फाइटिंग टाइम, बट खैर कोई नहीं। चार कैडेट देखते हैं कैसा बनेगा, फायर स्पिन में डालते हैं पहले से। ओ 50 लेवल है, ओके फेक आउट यानी कि मैं स्टन। ओ कितना डैमेज कर दिया भाई, पागल वागल है क्या, इतना सारा डैमेज पेड़े। अरे पैसे मिलने वाले गैस, ओए 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 भाई पैसे मिलने वाले भाई, इसकी काफ़ी ज़्यादा लेवल है। ओके फायर वॉर्टेक्स अच्छा डैमेज कर रहा है, अच्छा मूव है गैस वो। अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ मैं स्टील वाला, क्योंकि ऑब्वियसली यार नॉर्मल बूस्ट उस पर काम नहीं करेंगे, थोड़ा यार पता है ईजी कर लेनी चाहिए, फालतू में बैटल क्यों हार्ड हार्ड क्यों कर रहा है। और वो उड़ता हुआ क्या दिख रहा है बॉल से, बा आसमान में क्या उड़ रहा है वो, अंडे कौन फेंक रहा है? हेलो भाई अंडे कौन फेंक रहा है पीछे, ये लेकर रॉक स्मैच का गैस वो देख रहे हो, कोई बड़ा बड़ा गोल गोल से गोबर कर रहा है फ्लाइंग से, वो देखो पीछे भाई, अभी तो सुपर इफेक्टिव मरा ही नहीं। ओके डिफेंस गिर चुका, अब तो तू जाएगा भाई, आस पास के पोकेमोन खड़े होकर देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है, मारो 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 कुटाई करो, वो देखो वो कैसे चिल्ला रहे हैं भाई, मुझे है ना इसकी लेवल करनी पड़ेगी। म्योर फेंटेड और पैसे मिलने वाले हैं, और उससे भी पैसे मिलने वाले, तो भाई बिजली कड़क रही है और वो हो रहा है। ओके लेट्स सी कितने पैसे मिलेंगे, अच्छा मिल गया पता शायद, नो वट नो वन बाय सी डीज एनी मोर, 1500 मिले और 150 उठाए हैं, अमीर अमीर है कैसे। ओ ये क्या हुआ कैसे, वो देख सकते हो गोल गोल अंडा कोई गोबर कर रहा है, वो देखो रोटो टो 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 टो, भाई क्या कौन आ गया, अर्बन आ गया क्या? हाँ यो अमृत का क्यूज, सो फ्रॉम व्हाट आई गैदर सीम लाइक ओपन स्काई टाइटन लीव्स समवेयर, बट दीस आर ऑल दिस क्रेजी बोल्डर रेनिंग, अच्छा बोल्डर्स फेंक रहा है। इट्स गोना बी लिटिल ट्रिकी टू स्टैंड अराउंड एंड लुक फॉर टाइटन व्हाइल डॉजिंग ऑल दोस, आई थिंक यू विल बी सेट फ्लाइंग इफ यू गेट हिट, अच्छा अगर उसे टच हो गया तो मैं उड़ता हुआ चले जाऊंगा, बट मे बी यू गुड पावर योर वे थ्रू अटॉप दैट रूट ऑफ योर्स, अच्छा इससे भी जा सकता हूँ मैं गाइस, क्या करें फ्लाइंग टाइप है ना, तो तू पहले आ गया गाइस, मेरे को लग रहा है वो बैटल की जगह टाइटन बैटल करता है ना, दो इवोल्यूशन हो चुके हैं, एक बड़ा बढ़िया पोकेमॉन मिल चुका है, दो बढ़िया पोकेमॉन मिल चुके हैं, और इसका जो बोल्डर है मेरे को छाया पे कोई उड़ रहा है वहाँ से आया था ना, ठीक है, और ये टेरा है ड्रैगन टाइप टेरा, तेरा 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 सरूर गाइस, इसमें 13 सरूर है, ये हिमेश रेशमिया के दोबारा के, तो बीच में आ गया हिमेश रेशमिया का नाम लेते ही सुनने आ गया गाना, ये तो ये 13 13 13 करके उन्होंने इतना ज़्यादा हिमेश रेशमिया का गाना सुना है कि उन्होंने 13 टेरा ही डाल दिया, क्योंकि देखो 13 उनसे बोला नहीं गया तो उन्होंने टेरा बोल दिया, ठीक है क्योंकि हिंदी वर्ड बोल नहीं सकते अंग्रेज, तो 13 को टेरा कर दिया उन्होंने, टेरा स्टाइलाइजिंग कर दिया। ओ यहाँ पर वो है हीलर, हील कर दे यार, अच्छी बात है, हाँ पिकनिक में बड़ा मज़ा आ रहा है, और गुड़ रहा है इसके पास, और इसे बहुत सारे दे दिए इंग्रेडिएंट्स, और थोड़ा सा यस थैंक यू फॉर द रेस्ट। ओके हम इतनी दूर से पोकेमॉन सेंटर नहीं जा सकते, भले यहाँ पे हमें हील कर दिया जाएगा, पास ही है तो देखा जाएगा इस कितनी लेवल होगी इसकी, हाँ वो बोल रहा लेकिन जाऊँगा कैसे मैं, अच्छा वो रिपोर्टर, अरे तकेशी कैसल, अरे हमने बहुत देखा है तकेशी कैसल यार, भले ये टाइट है तकेशी कैसल करवाना चाहता हमसे क्या, अरे बोल्डर भी फेंकना नहीं आता तेरे को, तो तू टाइटन है, अबे तेरी रुक जा टाइटन मैं बनाता हूँ तेरे को, तकेशी कैसल है ना, आंखें बंद करके देखा हमने, आई मीन जावेद जाफरी की कमेंट्री देखी हमने गाइस, इस टाइटन के तो बैंड में बताता हूँ, और ऐसे लुंगी धोती पहन मुँह में पकड़ रखी है क्या अपनी, हैं कैसे कैसे बोल्डर फेंक रहा है, हैं आ ले ये आ गया मैं, और बता कहाँ है तू, जरा आ गया गैस मैं,
आते ही पहुंच गया ताकेशी कैसल टाइटन आसमान से बचा हुआ जाफरी। अरे ये तो फ्लेमिंगो टाइप है, और ये क्या है इसका? अच्छा मुंह में धोती वही करता। अच्छा बच्चे ड्रॉप करने वाला है ये पोकेमोन तो गाइस टाइटन, याद है आपको कार्टून में होता था। ओ बाहर कितना बड़ा। हेलो ये डायपर है कि बच्चे वाले गैस? भाई 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 इसको मानना पड़ेगा। बॉम्ब बर्डियर, अच्छा बॉम्ब फेंक रहा था उसे तभी बॉम्ब बर्डियर की जगह बॉम्ब बर्डियर लिख दिया। भाई इसको पहले ही हराना पड़ेगा। इसको कैच कर सकता हूँ क्या मैं? वैसे मैंने सेव कर लिया है, अगर कैच का ऑप्शन है तो अच्छी बात है, अगर कैच नहीं कर सकते तो चलो कोई नहीं। कर दे हिला दे बिजली के झटके दे दे इसका डायपर प्लक। ओ भाई इतना डैमेज भाई भाई, नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते यार तुम लोग। भाई टेरेस चला ऐसे एकदम माँ में नहीं कर दी इन्होंने। अरे यार गैस भाई प्लीज मिस कर दे, मिस कर दे प्लीज, मिस कर दे, मिस कर दे। कोई नहीं कोई नहीं, तेरे को बच्चे मैं डिलीवर करने दूंगा लोगों के घर में, प्लीज मैं खुद डिलीवर करके आऊंगा तेरे साथ यार। ओ भाई यार गैस ये तो मेरे को नहीं लग रहा, अगर मिस कर दिया तो ठीक है यार, मेरे को पहले गैस पैरालाइज मारना चाहिए था, नज़ल से पैरालाइज होता है। फिर से हिल करूँ गैस भाई, भाई बहुत डैमेज दिया उसने यार मेरे को। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैं ऐसे ही आ गया शायद, गलत टाइम पे आ गया मैं। हो गया भाई गैस तेरा जाने का टाइम आ चुका है, एक बार नज़ल प्लीज़ मिस कर दे, मिस कर दे, मिस नहीं करा तेरे को, अभी देखता हूँ और कुछ अभी बताता हूँ तेरे को मैं। कोई नहीं फॉमी तूने एक हमला करा बहुत अच्छी बात है। गैस लग रहा है मैं फेंट हो जाऊँगा, मेरे को लग रहा है भाग जाना चाहिए यहाँ से। ये फ्लाइंग है ना तो इलेक्ट्रिक रॉक इसको तो यूज़ नहीं कर सकता भाई मैं। अब ये टेरा बन नहीं सकता, और उसके बाद वैसे भी इलेक्ट्रिक मूव है भी नहीं तो टेरा क्या ही बनेगा। ये इसको नीचे गिरा दूँ गैस प्लीज़ 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 नॉट वेरी इफेक्टिव। यस भाई ये कर सकता है, नकली कर सकता है गैस, नकली कर सकता है। हाँ ओ नकली कर सकता है, नीचे आ जा नीचे आ जा, और स्ट्रेट डाउन। अब भाई नीचे गिर गया भाई, नकली कर देगा भाई, इसको मैं हील करता रहूँगा। तेरी भैंस की आग नीचे है, स्मैक डाउन, ये ले डब्ल्यू डब्ल्यू मुँह के बल गिराऊंगा तेरे को। ओके गैस हीलिंग टाइम भाई, हील हो जा। मतलब एक पोशन एक मूव, एक पोशन एक मूव ऐसे कर सकता हूँ मैं। हाँ गैस ये हो जाएगा, इसको कैच कर सकते, कैच नहीं कर सकते, पोकेबॉल का निशान ही नहीं आ रहा। हाँ पोकेबॉल का निशान नहीं आ रहा, देख सकते हो एक्स का निशान नहीं आ रहा नीचे। ओ रोक थ्रो, हेलो भाई तेरे पास ये मूव कहाँ से आ गया? ओके भाग गया भाई, क्या कहाँ जाना चाहता तू? ओ माय गॉड इतनी तगड़ी चोच है कि दीवार में छेद कर दिया। और समथिंग ईटिंग क्या भाई, क्या खाने लग गया ये? अच्छा अच्छा इसे बोलता है कि जब भी वो चीज़ कोई खाएगा तो भले नहीं नहीं जब भी वो थक जाता है कुछ उस वो जो ग्रीन सी जो हर्बा ये जो कह रहा था हर्ब को खाएगा तो उसी टाइम हील हो जाएंगे वो, लाइक हील और काफ़ी रिकवर हो जाएंगे और वो हो जाएंगे क्या कहते हैं एजिंग से भी करता बचाता है। सो डैट्स द ओपन स्काई डाइट वेट इस वर्ड्स ड्रॉपिंग ऑल दोस बोल्डर। हाँ तो ये ड्रॉप, आई वॉज लकी इनफ टू बी एबल टू स्नीक अप हियर बिकॉज इट हैड ऑल इट्स अटेंशन। अच्छा मौके का फ़ायदा उठा के चौका मार के आ गया छक्के कहीं के। इट्स लुक्स लाइक इट्स ट्राइंग टू पावर अप इट्स लाइक विद सम काइंड ऑफ मिस्टिकल मील पावर। भाई मैं गया, सो वी बेटर गेट टू रोल आउट। भाई हील तो कर दे मेरे को गैस, बैट बच गई। डोंट डोंट टेल मी। ओ भाई भाई हीलिंग करा कि नहीं करा मेरे को? भाई पागल है क्या? ओके गैस भाई ट्रेनिंग किसी मानना पड़ेगा भाई, ये पावर अप करके अट्रैक्ट ड्रॉप रॉक्स ऑन फॉल्स इज डेंजरस।
और ये ले डिफीट का टेस्ट ले भाई, तू कुछ कर दिया ठीक है, नपले गई और नकली लेकर आया, नकली भाई इसकी काट है, नकली भाई ओपी है, नकली बहुत ज़बरदस्त रॉक पोकेमोन है, इसमें नाम चाहे उसका नकली है बट असली पोकेमोन से भी बेटर लग रहा है मेरे को, और स्टील और फेरी टाइप है, तो आई होप गाइस हमें फ़ायदा होगा और हम स्टील टाइप बन चुके हैं। रॉक थ्रो भाई, यस अच्छा हुआ पोकेमोन रख लिया था मैं, टिंक का टिंक, और मैं हील भी कर लूँगा मैं भाई, ट्रेनिंग के अच्छा हो सिखा दिया, कितनी कितनी हीलिंग करेगा, ओ हील कर रहा था 10 हीलिंग, स्मैकडाउन यस, पर देखो नकली कितना डैमेज कर रहा है रॉक थ्रो से भाई, ओपी है नकली, ओपी गाइस नकली इज ओपी, उसको ओ गुस्सा दिला दिया, अब वो शायद वही यूज़ करेगा मूव गाइस, पहला तो हुआ नहीं बट टाइटन के तुमने ऐसे तैसे कर दिया और हील कर लिया मैंने, चीजी बोलते इस ये डायपर वाले टाइटन की डायपर गीला गीला क्या पूरा फाड़ दिया, चल तेरी ऐसी तैसी, हम मार मार उसमें मार, शाबाश शाबाश, नॉट वेरी इफेक्टिव, आ जा तू मुझे चुम्मियाँ देता रहे बस, तू लंबी लंबी चोंच से थोड़ा होटल पे चुभन हो सकती है गैस, तो डोंट राइड दिस एट होम कि आप किसी पोकेमोन चिड़िया वाले को अगर आप किस करो तो, क्योंकि आपके पास पेट हो सकता है, कहीं आप बात मेरी सीरियस मान लो भाई, पकड़ लो यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यार ये तो गायब ही हो गया गाइस, हमने पहला टाइटन हरा दिया और मज़े में भाई, कितने कितने एक्सपीरियंस मिले उसको, नहीं मिला एक हमारा फेंट हो गया ना, सैड बट खैर कोई नहीं, पॉमी 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 यस वे टू गो ब्रेथ, चल भाई कुछ दे हमने तेरी मदद की, लुक्स लाइक वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी मोर बोल्डर्स फॉलिंग ऑन अस नाउ, और ये हर्ब को उठाने जाएगा, हर्ब दे दे भाई मेरे को प्लीज़, मेरे को दे दे, मैं उसको कुछ बनाने वाला हूँ, मैं ये सैंडविच बनाएगा, देर हैज़ टू बी मोर ऑफ डैट हर्बा मिस्टेक, हाँ हर्बा मिस्टेक, लेट स्टडी फाइंड इट बिफोर द टाइटन कैन कम बैक फॉर अनदर गो, अच्छा दोबारा आ सकता है वो, पागल वागल है क्या टाइटन, इतनी मार खाने के बाद सुधरेगा नहीं क्या, क्या हर्बा मिस्टेका ये सैंडविच बनाएगा शायद, हमें सैंडविच बना के देगा तो, और हमारे मिराडोन को सैंडविच पसंद है तो कहीं मिराडोन की पावर तो नहीं पड़ जाएगी भाई, सस्पेंस दया, इसके दिमाग इसके क्या कहते हैं जैसे नसों में तो खून दौड़ता है, तो आप कह सकते हो इसके दिमाग में तो आइडियाज़ घूमते हैं, ओके गाइस ये रहा हर्बा मिस्टेक, हाँ मैं वही तो करता गाइस, जो मिराडोन उस नीचे से घुमा था ना वहाँ जो हरा हरा चीज़ था वो शायद वो तो नहीं है, तो वो चीज़ थी लेकिन उसके ऊपर ये उगता है, हाउ इट लुक्ड इन द बुक, ओके भाई हमें पहला मिल चुका और इसने उठा लिया बिटर हर्बा मिस्टेक, बिटर वाली है ये तो, यस वी एक्चुअली फाउंड वन एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू अमृत, अब इज्जत दे के बात करियो, नाउ देन लेट्स सी व्हाट डस द बुक हैव टू से, बिटर हर्बा मिस्टेक ग्रेट फॉर योर सर्कुलेशन, अच्छा सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी है ब्लड फ्लोइंग के लिए, और वो तुम्हें सीधा ही वार्म अप कर देगी, नाइस एंड टोस्टी, और आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट कर देगी, सही है यार, मतलब कोरोना से फाइट करने के लिए गाइस ये खानी पड़ेगी, और नाउ इफ आई कैन जस्ट गेट हिम टू ईट सम, अच्छा मिराडोन की बात करा क्या, नाउ इट्स माई टर्न टू शो व्हाट आई कैन डू, यू आर अबाउट टू टेस्ट गेट अ टेस्ट ऑफ भाई, ब्रॉक की जगह तू नहीं ले सकता ब्रॉक भाई, वो है क्या कहते हैं गाइस हमारे दिल के बहुत करीब है, जिंदगी में दोस्त हो तो ब्रॉक जैसा हो, इसके जैसा ना हो, ये अरमन जैसा जुल्फी, अरमन ओरिजिनल सैंडविच पैक्ड फुल ऑफ हर्ब्स, एंड आई विल इवन गिव यू अ बैच यू नो एज थैंक यू फॉर टेकिंग ऑन द टाइटन, भाई टाइटन बैच मिल चुका गाइस हमें, पहले कल फर्स्ट जिम बैच मिल गया था, अब टाइटन बैच मिल चुका था, कल मिला था पता नहीं परसों मिला था, जब ये एपिसोड आएगा पता नहीं कब आएगा, अब भाई कितनी कड़वी सी शक्ल बना रखी देख रहे हो भाई, इतना ज़्यादा बिटर सैंडविच बनाया है कि हमारे वो चेहरे बन रहे भाई, और ये मिराडोन को खिलाने वाला है क्या तुम भाई, मिराडोन नहीं खाने वाला भाई, उस पर तरस आ रहा मेरे को भाई, हम खाने वाले हैं, आर यू गेटिंग मी, आ गया भाई आ गया तू, व्हाट्स अप बिटर, इट जस्ट कम आउट ऑफ इट्स पॉल ऑन इट्स ओन व्हेनेवर इट वांट्स, तो कोई नहीं अच्छी बात है ना, बस सैंडविच खाना है भाई, ये सरप्राइज होने वाला है भाई, इसकी बैंड बजने वाली, मत खाइए तू मिराडोन मत खाइए, ए नो नो डैट्स नॉट फॉर यू भाई, गुस्से में आ गया कह रहा चल तेरी, डू यू वॉन्ट टू गिव यू सैंडविच, हेयर यू गो भाई खा ले यार खा ले भाई, बाद में तू मेरे पे नाराज़ हो गया तो खुद ही खा ले भाई, क्योंकि कड़वा बहुत है ये, बट तेरे से मैं प्यार करता हूँ तो खा ले, आई वेल्ट ऑल थ्रू टवा मेकिंग डैट फॉर यू एंड यू जस्ट गिव इट अवे, कोई नहीं खा ले यार, वैसे इसको पावर मिल जाएगी ना,
हो सकता है क्योंकि उसने खाया तो वो पावरफुल हो गया, इसको मिल जाए तो दैट ऑल देयर वाज, सो नाउ दैट्स नन लेफ्ट फॉर यू, तो अपना वाला मुझे दे देना। चीज कम ऑन, नाउ यू आर मेकिंग मी फील लाइक आई एम द सेल्फिश जर्क। हां तो दे अपना सैंडविच, चल हियर यू कैन हैव हाफ ऑफ माइन। अरे दे दिया, बेटर यू वुड बेटर सेवर एवरी टेस्टी बाइट। बस उसने खा लिया, तेरे को और चाहिए? और चाहिए क्या? ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मैं कह रहा था ना कुछ होगा, विल बी एबल टू मूव अक्रॉस द वाटर नाउ। गाइस आप हम पानी के ऊपर तैर सकते हैं। वाह, इज इट जस्ट मी और हैज दिस सेम सॉर्ट ऑफ पावर स्वभाव? अच्छा, अगर गाइस हम टाइटन का क्वेस्ट करते जाएंगे तो हमारा मिराडोन स्ट्रांग होता जाएगा हर्ब्स की वजह से, तो अभी हम पानी पे चल सकते हैं तो फ्लाई भी कर पाएंगे, तो यानी कि हम लीजेंड्स वाला करते हैं। फाइल लीजेंड्स वाला क्वेस्ट करूँ क्या इसमें? इफ़ दे हैड दैट बिग एन इफेक्ट ऑन योर पोकेमॉन देन आई बेट ये फिर से उड़ पाएगा ऐसा कुछ, देन आई बेट आई इट विल कम सुपर इन हैंडी फॉर दैट ट्रेजर हंटर असाइनमेंट। गाइस मेरा टाइम बहुत बच जाएगा उड़ने से। वेल यू हैव बोथ फिल्ड योर बेलीज विद सम ऑफ माई लेजेंडरी सैंडविचेस, गेस इट्स टाइम टू टाइडी एवरीथिंग अप। भाई एपिसोड तो बहुत ज़बरदस्त गया गाइस, ये बहुत ज़बरदस्त गया। ओ डोंट यू वरी अबाउट हेल्पिंग आफ्टर बैटिंग द यू हैव अर्न अ ब्रेक। ओके तू क्या करेगा? अच्छा खुद ही करने वाला क्या? ओके गाइस हम करने वाले लेजेंडरी करने वाले जरूर टाइटन्स, जैसे कि हर्बा मिस्ट्रिका मिले हुए और ये मिराडोन बढ़िया सोच है, और बैचेस का भी साइड बाई साइड करेंगे। भाई मस्त है यार, आई रियली ओ यू भाई। पहली बार भाई इसको क्या हो गया? ओके द कोस्ट इज क्लियर भाई। ओ यू कैन कम आउट, भाई ये मुझे गड़बड़ लग रही है गाइस, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है भाई, अंदर कुछ हो रहा है। हेलो अमरी, दिस इज ट्यूरो। अच्छा इसको पता चलेगा इसके पास। आई डिटेक्ट दैट मिराडोन हैज रिगेट सम ऑफ इट्स ओरिजिनल पावर। हाँ वेल राइडिंग अपॉन इट सीम्स यू शुड नाउ बी एबल टू हाफ पानी के ऊपर चल सकते हैं, यानी कि मेरा टाइम बच जाएगा भाई। मिराडोन कैन नाउ मूव अक्रॉस बॉडीज ऑफ वाटर ओपनिंग अप न्यू वेज टू गेट इफ यू प्रेस बी बटन वाइल यू आर ऑन द वाटर। अच्छा पानी के ऊपर भी जंप कर सकता है भाई, सही है। तो इसको बताना चाहिए ना कि इसने हर्ब खाई है लाइक, या तू पहले बता देता प्रोफेसर टूरो यार कि हर्ब करो, अपना खुद का पार्ट ढूंढो और गाइस और जो भी तेरे पास टूल्स है उसको करो, और जो भी तेरी क्यूरियोसिटी जो भी चाहती है वहाँ जा एक्सप्लोर कर, जो भी दिल की इच्छा है पूरी कर, जो भी तेरे को लड़के दिखे एकदम मतलब बचना है हसीनो लो मैं आ गया कर सकते हो। मतलब ये कहना चाहता है प्रोफेसर टूरो, खुद भी स्मार्ट है देख सकते हो, प्रोफेसर टूरो और मैं एक दो ये पैलडिया में जो एकदम धाकड़ है दिखने में। गाइस अंदर जाके देखूं? ओके अंदर गया मैं, नहीं जा सकता, शिट मैन। गाइस हमारा पहला टाइटन हरा चुके हम, और वहाँ पे कुछ है, एक मिनट मैं देखूं खोल के वहाँ पे कौन सा है। ये क्या डार्क टाइप, डार्क टेरर टाइप है, और फायर टेरा भी है वो। भाई भाई भाई, भाई फायर टेरा हमारे पास है शायद, ड्रैगन टेरा भी हमारे पास है, ग्राउंड टेरा भी नहीं, नहीं ग्राउंड टेरा नहीं, ये नहीं पता है क्या फेरी टेरा, और ये और ये। गाइस एक और हमारे पास है पाथ ऑफ लेजेंड्स, मतलब इनको हराना आसान है, मतलब स्टार्टिंग में तो बैंड बज गई थी बट खैर कोई नहीं। गाइस तो हमारा पहला हो चुका है और फेरी का इसको रिमूव करो, तो हमें जाना था इसके पास डार्क क्रू के पास, और ये नहीं करना यार मेरे को। सेटेस्ट डेस्टिनेशन ओके वहाँ पर है वो रहा उधर सीधा, यानी कि वहाँ पे हमारे पोकेमॉन सेंटर है। तो पहला टाइटन तो हमने हरा दिया और हमारी हमें न्यू पावर मिल चुकी है, और यहाँ पे गाइस मैं सेकंड एपिसोड सोच रहा हूँ कि उसका बनाऊँ भाई, ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है टाइटन। अच्छा हुआ हमने कर लिया, एक मिनट मैं देख रहा चाहूँगा, और दो इवोल्यूशन हो चुके, एक और ये फ्लैश इंटर और पहला टाइटन। मतलब बहुत तगड़ा एपिसोड था यार, बहुत तगड़ा एपिसोड था, सीरियसली बहुत तगड़ा एपिसोड था। ओके तो गैस चलो इसी गैस सबसे आगे लेते गैस है ना, तो जिन्होंने लाइक नहीं होता लाइक करते, जो चैनल में नए सबसे आगे लेना गैस इसी गैस सबसे आगे लेते। ऑडियोस टेक केयर, शब्बा केयर एंड पीस आउट।